हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिल्पा का सिंपल किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी तीज एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। ये वीडियो आप तक लेट से पहुँचेंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ चना आलू की सब्जी। उसके लिए मैंने चना आलू ले रखे हैं 2 पीस, एक बड़ी साइज में प्याज और एक प्याज 2 ली हूँ मैं, एक बड़ी साइज में छोटे छोटे चॉप करके ली हूँ। और इसको मिक्सी में पीसने के लिए टमाटर, मसाले मैंने लिए सूखी मिर्च, अदरक, लहसुन, गोल मरीच, जीरा, तड़के के लिए मैंने लिए हरी मिर्च, जीरा, तेजपात। और गरम मसाले मैं खड़े ऐड नहीं करूँगी, गरम मसाले पीसे हुए ऐड करूँगी। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ आपको दिखाऊंगी और अभी कुकर में बनाऊंगी। झटपट बनते हैं सब्जी, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले जितने भी मसाले हैं, प्याज और मिक्सी में पहले बढ़िया सा पेस्ट बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो कुकर भी गर्म हो गए हैं, इसमें तेल ऐड कर देती हूँ। तेल गर्म हो गए हैं, यहाँ पर तड़के मिर्ची, जीरा और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। कटी हुई प्याज, प्याज को मैं, टमाटर को मैंने नहीं पीसे हैं, खड़े मसाले और हल्का सा ब्राउन होने के लिए हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं प्याज को। प्याज लाल हो गया है, पीसे हुए मसाले हैं तो डालनी हल्दी, आधे चम्मच लगी पे जो आलू मेरे लिए आलू में ऐड कर रहे थे। अब मैं चना मसाले सारे को एक साथ ही भूनूंगी, कम से कम 10-15 मिनट। अच्छी तरीके से मसाले भी चने के साथ ही मसाले स्वाद अनुसार नमक और
टमाटर नहीं डाले हैं, टमाटर अभी बाद में इसमें ऐड करेंगे। पहले इस तरह से कवर करके कम से कम 5-10 मिनट फ्राई करूँगी मैं। जस्ट थोड़ी सी स्लो सब्जी अच्छी तरीके से मैंने भून ली है। देखें डाल दूंगी टमाटर, चना मसाला की जो रेसिपी है मैं पहले भी दे चुकी हूँ, ये चना आलू की सब्जी की रेसिपी है। इसको एक भूनने पैसे फ्राई कर देते हैं जब तक। अच्छे तरीके से चना आलू फ्राई हो चुके हैं। यहीं पर मैं डाल दूँगी पानी, जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए। मिक्सी को भी धोते हुए डाल देती हूँ। सीटी लगाऊंगी कम से कम 3, गैस में मीडियम रख के सीटी लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। गरम मसाला भी ऐड नहीं कर रही हूँ, गरम मसाला और चना बॉईल होने के मतलब सब्जी बनने के बाद ही मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। ये देखिए चना आलू का सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गए। यहीं पर डाल दूँगी मैं गरम मसाला। कम से कम एक दो मिनट के लिए और उसको फ्राई करूँगी मैं। और यहीं पे लगा दूँगी सीटी, सीटी नहीं लगाऊँगी, ढक्कन का ऐसे कवर कर दूँगी ताकि गरम मसाला का जो फ्लेवर है वो निकले ना। ऑलमोस्ट चना मेरे तैयार हो गए हैं सब्जी चना आलू के। तो चलिए फाइनल प्लेट लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए आलू और चना की सब्जी बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। कैसा लगा रेसिपी जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय।